सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड इमेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद जाना है आप सभी को ऐड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मैंने मॉडल का जो बैकग्राउंड है पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को देख के इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे आपको मॉडल को ले आने के बाद आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को इसकी जो ओपेसिटी है इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को इरेजर टूल में। ठीक है, तो पहले आप इसको पहले अच्छे से एडजस्ट कर लो यहाँ पे। फिर इसके बाद आप सभी को जाना है इरेजर टूल में। ठीक है, इरेजर टूल में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो है ब्रश, ये जो आपको यहाँ पे लाइन सी दिख रही है आप सभी को, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे इरेज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ से आप सभी को हार्डनेस को है जिसको फुल कर देना है। ठीक है, हार्डनेस को फुल करके एंड जो साइज है इसको आप सभी को ऐसे कम करते रहना है। एंड जो आपको पॉइंट्स दिख रहा है आपको देखना है कि जब उसके हिसाब से आ जाए तो उसके हिसाब से आप सभी को इसको फिर इरेज कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को कुछ स्टेप से ऐसे आराम आराम से इरेज कर लेना है, थोड़ा टाइम लगा देना है। ठीक है, बट कर देना अच्छे से इरेज। एंड उसके बाद आप सभी को इसको मतलब कि पूरा इरेज कर लेने के बाद फिर मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या करना है। फोकस होगा जितना इरेज हो गया। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को नीचे आप सभी को दिख रहा होगा तो यहाँ पे वेस्ट पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए करेंगे हम साइज में जाएंगे। एंड इसके जो हार्डनेस एंड ओपेसिटी कम करके सिंपली हम इस तरीके से नीचे से भी इरेज कर लेंगे। ठीक है, आप सभी को इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को गाइस दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा मतलब कि ज़्यादा सा इरेज हो चुका है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे। एंड उसके बाद अगेन जाएंगे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद हमें यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी एंड उसको जितना हमने पहले अभी इरेजर में किया था उतने कम कर देंगे। एंड उसके बाद जो साइज़ है थोड़ा उसको छोटा करके यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे अच्छे से पेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जो हमारा एक्स्ट्रा इरेज हो गया उसको उसके ऊपर हम यहाँ पे पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे इतना पेंट कर देने के बाद आप सभी को बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को करना है यहाँ से डन कर देना है। एंड यहाँ से पूरा डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से डन कर देते हैं। एंड जो आगे का स्टेप आप सभी को बताता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से डन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डन कर लिया है। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। मैंने आप सभी को एक PNG दे रखा है। ठीक है, तो आप सभी को उस PNG को ले लेना है। एंड जो ये जो PNG है आप सभी को सिंपली इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना। एंड वो आपके यहाँ पे जो है मतलब सिंपली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत होगा तो आप खुद उसे एडजस्ट कर लेना। तो मैं इसके यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड थोड़ा सा पार्ट जो है मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसके लिए हम उसको इरेज कर लेंगे। पहले मैं इसके यहाँ पर पूरा फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे। एंड जो हमारे जो ज़्यादा पार्ट इरेज हो गया है इसको हम पहले यहाँ से फिल कर देते हैं अंडो करके। एंड यहाँ से जो हमारा ये जो इरेज करना था हमें, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में। एंड जो हार्डनेस है इसको हम पहले कम कर लेते हैं, ओपेसिटी थोड़ा कम एंड ब्रश को बढ़ा के। एंड इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है कुछ। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, तो मतलब कि डन मत करना गाइस, आप सभी को ये तार है जो इसके पीछे का भी जो मतलब कि इरेज करना है ना, क्योंकि इसको भी पहले हम हार्डनेस फुल करके यहाँ पे इसको भी इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मतलब कि ये भी हमारे मतलब कि ये जो है हमारे इस तार के पीछे है, क्योंकि हमने अपने शरीर के ऊपर लगा रखा है इसलिए। ठीक है, तो इसको इतना इरेज कर लेने के बाद आप शुरू करना है यहाँ से कर देना डन। ठीक है, तो अब जो है गाइस यहाँ तक का काम तो हो चुका है हमारा। अब हम आप बात आती है गाइस हमारी एक और PNG की, जो कि PNG आप सभी को क्रॉस का PNG मैंने दे रखा है आप सभी को, वो भी ले लेना। आप इसको सिंपली ऐसे फुल स्क्रीन कर दोगे तो मैंने अपने मतलब मॉडल के हिसाब से बना रखा है इसको, तो उसकी ओपेसिटी को आप सभी को कम कर देना है। ठीक है, तो जूम करके देखना है एंड उसके बाद जो ओपेसिटी इसकी कम करनी है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से अब जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में। ठीक है, ड्रॉ टूल में जाएंगे क्योंकि ड्रॉ टूल में हम गए इसलिए हम यहाँ पे शेडो बनाएंगे। जो भी हमने एक PNG लगाई थी अपने यहाँ पे शोल्डर के पास, उसकी हमें शेडो बनानी है। तो उसके लिए करेंगे साइज़ को फुल, ओपेसिटी 10:9 एंड साइज़ को हल्का सा छोटा, मिनिमम 66 तक। एंड उसके बाद आप सभी को जूम करना है कुछ इस टाइप से। जूम करके आप सभी को इस तरीके से यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, एंड थोड़ा मतलब कि ओपेसिटी हमने कम कर रखी, तो गाइस आप सभी को वहाँ पे थोड़ा डार्क कर देना है। मतलब कि 2-3 बार ही करोगे तो अपने आप ही डार्क हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पहले फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस फाइनली हमारा जो शेडो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस इसका मैं मतलब कि ऑन ऑफ करके कि हमें इससे कितना मतलब कि हमारी फोटो में कितना फर्क आया है। तो गाइस हम पहले ऐसे लेयर में जाके पूरे देखिए गाइस, मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो देखो गाइस कितना मतलब कितना फर्क दिखता है ना। तो बस इतना ही करना है आप सभी को भी,
और इतना कर देने के बाद बस हमारी बात आती है कलर कलेक्शन पे, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड सेव इमेज पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेंगे एंड लाइट रूम ऐप में इसकी कलर कलेक्शन करेंगे। सो चलते हैं अब हम लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस जब तक यार हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से ना काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जो हमारी जो फोटो हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, एंड अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐसे ऑल फोटोज़ में। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद हमें जो है अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले ऐसे हम ऑल फोटोज़ में चलते हैं एंड इसके बाद जो है हमारी फोटो अभी ऐड होने ही हुई है, तो मतलब क्या ऐड हो चुकी है अब। तो हम इसको क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप सबको करना है कि आप सबको यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है एंड जो फोटो की कॉन्ट्रास्ट इसको बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है और मतलब कम कर देना है, एंड जो वाइट है इसको बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है इसको आप बढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप सबको सैचुरेशन में जाना है, ये ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जो येलो कलर है इसके सैचुरेशन को आपको माइनस में ही मतलब कि थोड़ा प्लस में रखना है एंड ह्यू को माइनस में रख लेना, ताकि जो मतलब कि इसको माइनस में रख लेना है एंड जो ग्रीन कलर है इसके सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो ऑरेंज ब्लू कलर है इसको इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड ऐसे कर देना आप सभी को डन। एंड इसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, इसके बाद जो फोटो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो विग्नेट है इसमें हल्का सा विग्नेट डालना है, ठीक है, हल्का सा विग्नेट। एंड इसके बाद जो ग्रीन अमाउंट इसको बढ़ा देना है एंड जाना आप सभी को फिर नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देना है एंड जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को अगेन जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में एंड इसके बाद जो अभी 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं इसमें जाना है एंड जिसके बाद आप सभी को इसको ऑरेंज एंड येलो के बीच में ले जाना है, ठीक है। ऑरेंज और येलो के बीच में ले जाना है तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को ऑरेंज और येलो के बीच में ले जाना एंड इसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ उसके बाद क्या करना आप सभी को, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा जो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन एंड उसके बाद जाना आप सभी को सिलेक्टिव टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक चलेंगे एंड जाएंगे यहाँ पे सिलेक्टिव टूल में एंड आप प्लस पे क्लिक करेंगे, सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे पहले एंड उसके बाद हम सिंपल इसके साइज को बढ़ा के हम अपने पूरी बॉडी के ऊपर रख देंगे एंड जो लाइट वाले ऑप्शन में एक्सपोजर इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगेन प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्कल वाले पे जाएंगे एंड उसके बाद हम इसके साइज़ को बढ़ा करके, ठीक है, एंड उसके बाद इसको प्रेस करके इन्वर्ट कर देंगे एंड जो फोटो क्लियरिटी है हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना कर देने बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, इस थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके से प्रेस करते ऊपर तरफ लाना है एंड एक्सपोजर को आपको माइनस में रखना है, ओके। इतना करते हैं बाद आप सभी को डन कर देना है एंड गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो एड हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।